खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। परसों वोट डाले जाएंगे और ठीक 5 दिन बाद 23 मई को नतीजे आएंगे। नतीजों का अभी से इंतजार है, लेकिन नतीजों को लेकर लगातार नेता अपनी अपनी भविष्यवाणी करने में लगे हुए हैं। जो मोदी विरोधी हैं वो मोदी सरकार के जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि आएगा तो मोदी ही। अपने अपने दावों के इस दौर में अहम बात यह है कि कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही ये साफ कर दिया है कि पार्टी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जिद नहीं करेगी। गैर एनडीए पार्टी का कोई भी नेता जिस पर सहमति बने वो प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस को मंजूर होगा। जीत का दावा मायावती और अखिलेश भी कर रहे हैं। यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ 7 दिन के प्रधानमंत्री हैं। वहीं शरद पवार का दावा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन भी गई तो वाजपेयी की सरकार की तरह 13 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ममता बैनर्जी तो पूरा अंकगणित भी बता रही है कि किस तरह बीजेपी की सरकार जाने वाली है। तो भविष्यवाणियों का जो बाजार है, अटकलों का जो बाजार है, वो गर्म है और हर नेता की अपनी भविष्य वाणी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही और इस संभावना को भी नहीं लगा सकते लोकसभा के नतीजे आने में अभी 1 हफ्ता बचा है। अभी तो 59 सीटों पर चुनाव भी बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही सरकार बनाने के दावे होने शुरू हो चुके हैं। जोड़ तोड़ का गणित शुरू हो गया। कांग्रेस तो मोदी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग करने को भी तैयार है। हाँ जरूर, अगर कंसेंसस कांग्रेस पर बनता है तो कांग्रेस लीडरशिप देगी, लेकिन हमारा जो इस वक्त लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि एनडीए की सरकार नहीं आनी चाहिए और उसमें गैर कांग्रेसी सरकार जो पार्टियां हैं वो मिलके जो भी राम राय बनेगी उस आम राय के साथ हम सब इस वक्त हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते हैं जहां हम नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। यानी कांग्रेस कह रही है कि राहुल पीएम पद की दावेदारी छोड़ सकते हैं। जब कांग्रेस जैसा दल जो प्रधानमंत्री पद पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हो वो वोटिंग पूरी तरह खत्म होने से पहले एग्जिट पोल की चर्चा शुरू होने से पहले काउंटिंग शुरू होने से पहले आज खुले आम बयान देके कह रही है कि प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ देने के लिए वो तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि 23 मई को क्या परिणाम आने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? कौन होगा वो चेहरा जिसे समर्थन देने के लिए कांग्रेस तैयार होगी? क्या वो ममता बनर्जी होंगी जो मोदी को सीधे खुलेआम चुनौती दे रही है, या वो शरद पवार होंगे, या फिर मायावती, या अखिलेश यादव, या फिर कोई दक्षिण से होगा? कुछ कुछ संकेत भारतीय राजनीति के किंगमेकर 78 साल के शरद पवार भी दे रहे हैं। वो भी बड़ी बेसब्री से 23 मई का इंतजार कर रहे हैं। एस्टैब्लिश करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की रही उम्मीद करते हैं। जैसे एकदा अटल जी 13 दिवसाचे प्रधानमंत्री झाले होते तसे कदाचित 13 दिवसाचे 15 दिवसाचे राष्ट्रपतींच्या वनात होऊन असेल असा एखादा भाजपचा प्रधानमंत्री आपल्याला लागायला नाही। संसद में बहुमत साबित नहीं हो पाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे से पहले अटल जी ने शरद पवार के बारे में क्या कहा था, आज ये शरद पवार को भी सुनना चाहिए। यहाँ श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे,
वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। शरद पवार तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2019 में भी 1996 वाली स्थिति आएगी। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष चाहे जो भी कहे लेकिन आएगा तो मोदी ही। हमारी सरकार को 2014 से चुनना है, अधिक सीटों पर हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो रही है और इस संभावना को भी नहीं लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर कांग्रेस तैयार होगी। बीते दो दिनों के घटनाक्रम को देखें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर ममता बनर्जी चल रही हैं, जो अपनी रैलियों में ये भी बता रही हैं कि बीजेपी कैसे हारेगी और कहां से हारेगी। পঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, এগুলোতে কংগ্রেস পার্টি আছে, বাংলায় নেই, বাংলায় ভোট নেই, বাংলায় আমরা আছি, সেখানে শক্তিশালী, এখানে আমরা জিতব। कांग्रेस को ये पता है कि अगर समर्थन की बात आई तो उत्तर भारत की पार्टियों का समर्थन उसे मिल जाएगा, लेकिन मामला दक्षिण भारत पर फंस सकता है, इसीलिए दक्षिण का जोड़ तोड़ अभी से शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। खबर ये भी है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी से बात की है और उनसे कहा है कि वो कांग्रेस को तीसरे मोर्चे को समर्थन देने के लिए राजी करें। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी तीसरे मोर्चे की छतरी तले लाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन ओडिशा में फोनी तूफान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नवीन पटनायक के बीच दिखी केमिस्ट्री कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है।